नीदरलैंड सूरीनाम सारी संसार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज उनसदाख नेक दिसंबर है, बुधवार दिसंबर के 29 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम मंगलवार दिसंबर का 28 तारीख को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट पैलेस में सुनील अलखराम सीतलदीन को नया बेतुखबोन एंड खफल मख्तख अम्बासडर फॉर सूरीनाम बेरफनासिस बेदक किया है, जहां भी मौजूद थे स्टार्स रात के अंदर फोर सेटर और रात फॉर मिनिस्टर्स को एकाद लेडन बेतलांस साकन इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल सामो वर्किंग के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन। ये नया अम्बासडर सुनील अलखराम सीतलदीन को खलोस ब्रीफन दिया है, जो वो फरिंदनास के हवाले करेगा। सूरीनाम बनुम्ड न्यू अम्बासडर बाय द फरिंदनासिस हेड बिड्रेफ न्यू मॉन सूरीनाम हेड कोविड-19 फंड्स में से सेंट फ्रांसिस सेकंड हाउस को डोनेट किया है। मेडिसिन कुलकास्ट वॉश मशीन वॉश रैक ड्रॉपलोस टेलीफोन्स और मोबाइल टेलीफोन्स जिसका कीमत है 11,909 €30 एट कॉर्प्स सूरीनाम फॉर किड्स फ्रीविलिगर्स एक बोर्ड पर लिखे हैं लेट अप योर रेख दरख्त अल्स्टुब्लिव। यही बोर्ड अपना गटे में टांगे तो कई रास्ता पर लोगों को इशारा कर रहा है कि समझदारी से अपना ऑटो ब्रोमफीड स्कूटर वगैरह चलाएं कि कोई हादसा ना होने पाए। सिपाही खबर किया है कि एक फेतहियार 41 बरस के एंडी ग्रामसान शनिचर दिसंबर के 25 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट पारा में अपना ही घर के बालकन पर बैठा हुआ था, आगे में जल गया दैद खरात फर ब्रांडिंग में। उनको तो अकादेमी सिकन है पारा मारी वो में दाखिल कर दिए, जहां तो डॉक्टरों के मौजूदगी पे उनका मौत हो गया है। सिपाही अंदर सुक करके बताया कि उनका अपना ही पार्टनर इनसीत यार 41 बरस के औरत उनको ऊपर बेंजीन छिड़का करके और आगे लगाया है। पार्टनर फॉर लाइफ एंड फॉर ब्रह्मदमान फास्ट ना फॉर थिंकिंग। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर 516 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 108 नया लोगों बस मैत हुए हैं। एक जना वफात हो गया है। अब तो ताल 1,188 जना देहांत हुए हैं। 12 जना अस्पताल में दाखिल हैं और 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में और 2 जना इसोलासी में दाखिल हैं। सूरीनाम से एक कंटेनर रोटरडाम के हाफन में आया है, जिसमें 4,622 किलोग्राम कोकाइन छिपा रखे थे। इसी बरस कैस त्योहार तलक सूरीनाम से 68,000 किलोग्राम कोकाइन नीदरलैंड में ले आए हैं। पिछले बरस यही पीरियड में टोटल 9,079,007 किलोग्राम कोकाइन नीदरलैंड में लाए थे। डेट यार ऑफ न्यू रिकॉर्ड हुवेल हेडन कोकाइन इंटरसेप्ट इन नीदरलैंड। सोमवार के सिपाही एक ट्वीन दत्त यार 32 बरस के मर्दाना
एल आ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना आत्मतंत्र हथियार 28 बरस के औरत को लोहा के छड़ी से उनका मुंह पे मारा और मुंह खून आ गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा प्लास्टर चिपकाने के लिए। सिपाही से बोले कि उनका औरत गैर मर्दाना के साथ कबड्डी खेल रही है। वो तो फिर बोले कि वो तो अपने आंखों से नहीं देखा लेकिन सख करता है। सिपाही अब ये मर्दाना को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। अब ये औरत खुल्लम खुल्ला प्यार कर सकती है जिस मर्दाना से वो चाहे। मान फरदेंग फ्राउ फन फ्रेंड खान एंसलात हार मेट में तारन स्टाफ। सरकार के पास संदेशा पहुंचा कि सुरिनाम के कैन इलाका में फीस और खनिशेयर करते हैं जहां तमाम लोगों ने तर के ऊपर मस्ती मौज करते हैं। तो सरकार खबरदारी किया है कि जिन लोग ने कोविड-19 मातरेखलन पे अमल न करते हैं सबको दार भरना पड़ेगा। मोहलक फसखर पे कोविड-19 मातरेखलन फावेह एडबिंदख फीसतन। एक फिरन दत्तियार यानी 34 बरस के लौंडा जिसने अपलिफ्टिंग करता था, सिपाही उनको गिरफ्तार करके और रेस दे के सलाम हाउस में बंद कर दिया वो मुकदमा के इंतजार में। तो उसने इस खेर मेस को टुकड़ा टुकड़ा करके उसे खा गया और आत्महत्या करने के लिए। सिपाही उनको तो फौरन अस्पताल ले गया ये खेर मेस पेट में से निकालने के लिए। उसने सिपाही से बोले कि जिस सलन हाउस में वो कैद में है वहाँ और लोग मौजूद है, तो किसी ने उनको मारा है। जब वो बवाकर से इसके बारे में फरियाद किया तो उनका फरियाद वो न सुनना चाहा था। हेडफोन्स वार्निंग बॉ लाखर इन कॉन्स्टन खुरुपन के जो बस्तूस लेदन थे हेरा फेरी किए हैं करप्शन किए हैं। तो अब एक नया बस्तूर चुना गया है वो भी प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के मौजूदगी पर। अब नया फोर्स इधर बन गई है आनंदा फेल्टमान और बाकी बस्तूस लेदन हैं दीपक जयराम रमेश करम सिंह इरशाद फतेह मोहम्मद और सुनैना मोहन। बस्तूर के लेडिंग हैं मिनिस्ट्री फॉर फिनांसिंग और प्लानिंग और बैतलान से जाकन इसमें हैं और भी बलैस आखिरी के लेदन फनत कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट हैं। ये लोगों के अहम काम होगा बढ़िया मकान के इंतजाम करने के लिए जिन लोग के लाख इनकमस्तन हैं। वो लोग को जब एक काफल होगा और वो खुद ही मकान बनाना पड़ जाते हैं तो फंड्स से पैसा मिलेगा ये मकान बनाने के लिए। अगर फंड्स बना करके देगा तो उनको पैसा भरना पड़ेगा वो मकान के खातिर। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं। सुरिनाम देश से अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। यूरोपा मुल्क में जब विंटर महीना शुरू होता है तो यूरोपा से दसन हजारन क्रानफोहल्स उड़ करके और इसराइल के हुला नतूर सरफात में जा करके वक़्त गुजारते हैं। जब यूरोपा मुल्क में जोमर महीना आ जाता है तो फिर ये उड़ करके और यूरोपा मुल्क में आते हैं। तो खबर है कि हुला नतूर सरफात में कम अवेश 5,000 से ज़्यादा करान फोखल्स मर चुके हैं फोखल खरीब से। मालूम हो कि इसराइल के केपन बूरन को भी सब मुर्गी को मार करके जलाना पड़ेगा ये छूत के बीमारी उछीन करने के लिए। सोमवार से रेंजर्स दो दो करान फोखल्स जो पानी में उतरान हैं उसे निकालना शुरू कर दिए हैं। वो भी बस खैरन द पाकन पहन करके रिबर बोट के जरिए। बेल्जियम ने रात हंसताहत फैसला कर लिया है कि बेल्जियम की सरकार जो कोरोना मातरेखलन के इंतजाम किया है तो उसे बदलना पड़ा है। द थिएटर्स कॉन्सर्ट सालन और बियोस्कोपन को खोलना पड़ा है। बसुकस को फर्स्ट जिर प्लासन होना जरूरी है। मोंद कापियस पहनना है।
करुणा मात्र वैद्य भी अपने पास रखना है। सूडान के प्रोफेंसी वेस्ट कॉर्डोफान में एक पुराना हाउत में मौजूद है, जहां लोगों ने फिर हाउ चुपके से जाकर के सोना निकालते हैं। तो खबर है कि वो हाउत में भसक करके भट गया है। आख्तम दर्द 38 जना उसमें मौजूद थे, सब के सब उसी के अंदर दफना गए हैं। अमेरिका में भी स्लाफन हमदलारे थे जो काला कौम से गुलामी करवा रहे थे, तो ये स्लाफन हमदलारन के इज्जत करने के खातिर उनका स्तंभ बेल मूर्त रखा हुआ है, कोई ना कोई घोड़ा पर बैठा हुआ धमाक फलान, तो अब उसको तोड़ कर निकाला जा रहा। कारण क्योंकि काला कौम अब हड़ताल करने लगे हैं कि स्लाफन हमदलारन के मूर्त वो देखना नहीं चाहते हैं। अमेरिका के मेडिसिन वाकहोंड एफडीए अंदर सुकर के बताया कि ओमिक्रॉन फरियान के खातिर जो स्नेल टेस्ट की जाती है वो भरोसादार नहीं है, उसे न करना चाहिएगा। पैलेस्टाइन और इसराइल के इतिहास में ये पहली बार है कि पैलेस्टाइन के एक प्रेसिडेंट अब्बास वो इसराइल गया है, जहां डिफेंसी के मिनिस्टर गंस उनको जो वेलकम किया है अपना ही घर में। क्या आपस में बात किया गया है इसके बारे में तो खबर नहीं किए हैं, लेकिन अब्बास बहुत दिनों से शिकायत कर रहा है कि इसराइल के फौजी फलस्तीनियन के ऊपर बहुत जुल्म करता है। हांगकांग मुल्क पिछले दिनों में इंग्लैंड के एक कॉलोनी मुल्क था, जितना जनता वहाँ रहते हैं तो डेमोक्रेटिक तौर पर वहाँ पे हुकूमत हुई है और लोगों ने आज़ादी महसूस किए हैं। अब जबकि इंग्लैंड हांगकांग का शीना मुल्क के हवाले कर दिया है, तो शीना मुल्क तो एक कम्युनिस्ट मुल्क है, तो ये लोग की आज़ादी जो था वो अब ख़त्म हो गया है। तब यह हांगकांग के जनता को बहुत मुश्किल होता है फिर ये कम्युनिस्ट बनने के खातिर। तो धीरे धीरे जिन लोगों ने अपने आवाज़ उठाते हैं वो लोग के तो गिरफ्तार करके और जेल में ले जा कर के बंद करते हैं, जहां लोगों से गुलामी किया जाता है। ऐसा ही फिर सेस यानी 6 जर्नलिस्टों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इल्ज़ाम है कि सामुजवेरिंग किए हैं, जनता को उकसा रहे हैं डेमोक्रेसी होने के लिए वगैरह वगैरह। अब नई दल्लान के खबरें सुनिए। शहर स्नेक में भी एक असल सुकर सेंट्रम है, तो यह असल सुकर सेंट्रम के वोन यूनिट में बहुत असल सुकर्स को अपफांग किए हैं, तो किसी ने झकिया करके आगे लगा दिया था, 5 जना झोंसा गए हैं, जिसने आगे लगाया सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया है। इकोनॉम रॉबिन फ्रांसमान उसने आक्सी ग्रुप हेरस्टेल एनएल पिंट को उठाया है कोरोना मातरेखलन के लिए प्रतिस्थिर करने के खातिर, तो उनको भी अब कोरोना वायरस बीमार कर दिया। तो खबर है कि द्री इन्फेक्ट 53 बरस की उम्र में वो मर गया है। फॉलो सोसोन टाइट के दे मिशनर मिनिस्टर द योंग जिसने लॉकडाउन के इंतजाम किया है, यानी वायरस की 14 तारीख तक यह लॉकडाउन फरसोपल नहीं किया जाएगा। कैश वकांसी के बाद लड़कन के खाते स्कूल भी खोल दिया जाएगा। अस्पताल में चाहे कमती कोरोना पेशेंटन होते जा रहे हैं, यह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यह बहुत तेज में फैलते जा रहा है। खौरन खाम में असल सुकर्स के खातिर नोट ऑफ फंक इंतजाम है, तो आज से अब वो असल सुकर में लोगों ने दाखिल होने लगे हैं। वहाँ 2000 जना के लिए जगह है। नीदरलैंड में नौजवान लोगों ने बहुत बदमाशी करने लगे हैं। जिन लोग का उम्र 18 बरस से लेकर 21 बरस तक है, ये लोग ने तो खून खराबा करने लगे हैं और जान से मार देते भी।
तो खबर करते हैं हलफ नवंबर तलक फिरन सस्तख 64 जना मौत किए हैं या तो पोहिंग तत मौत किए हैं। यही पीरियड में साल 2020 में 25 जना मौत किए हैं या तो पोहिंग तत मौत किए हैं। नीदरलैंड में जितना सिपाही हैं काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, कारण क्योंकि नीदरलैंड में सिपाही के कमी है, तो ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं तो कहते हैं कि इन लोग के तनख्वाह बढ़ा देना चाहिएगा। जब सरकार लोग का तनख्वाह नहीं बढ़ाता है और सिपाही के इंतजाम नहीं करते हैं तो ये लोग ने आस्ते आस्ते हड़ताल करने लगे हैं। आम्स्टरडम में कोरोना पर प्रोटेस्ट किया जाएगा आने वाले इतवार को, तो सिपाही बोले कि वहां मौजूद न रहेंगे। कोरोना मा तरीखलन के कारण बहुत दिनों से कापर साक बंद हैं, तो अब ये लोग ने फरियाद करने लगे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि कब कोई किस्म के इजाजत मिले कापर साक खोलने के लिए। जिन लोगों पैदा हुए हैं नेहदिंद्रियन तख्त सन 83 में और नेहदिफिरन तख्त सन 84 में, ये लोगों के इजाजत है खीखी देई से आसप्रा करने लेने के लिए बूस्टर प्रेक के खातिर। तमाम नीदरलैंडर्स बेल्जियम जाने लगे, कारण क्योंकि वहाँ विंकल संतरम खुला है, काफी बार भी वहाँ पे खुला है मस्ती मौज करने के खातिर। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफा इस तरह से है। एगो आदमी ओख अर्थ के पास गया, पहुंचते ही अपना ब्रेल उतार के और डॉक्टर के सामने झटक दे। डॉक्टर बोले का भैल अब पुराना चश्मा तो कम वही में लगे है। तो आदमिया बोले हाँ ये पुराना चश्मा बहुत अच्छा है, बकेर वो कहो नवा मेहरारू मिल गए है। मेहरारुआ बोले जौन चश्मा से और औरत का उताक चकल है वो चश्मा से उना मांगे के ओके ताके, बोले अगर जो नवा चश्मा ना लाए तो वो फोर फाड़ डारी। हाँ आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।